हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे फार्मेसी स्टडी चैनल में स्वागत है। इस चैनल पे हम फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं जो कि डीफॉर्म फर्स्ट ईयर और डीफॉर्म सेकेंड ईयर के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। तो अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ। डिफरेंट कोर्स की कम से कम 40 से 50 वीडियो मेरी पड़ी हुई हैं पहले से, तो आप वो भी वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है हमारा, जो कि डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट। प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या इसमें एक हमको डिजीज़ पढ़नी है, डायरिया। डायरिया इज़ अ सीरियस कंडीशन। डायरिया एक सीरियस कंडीशन है विद लॉस ऑफ फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें क्या लॉस होता है? फ्लूइड, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस होता है, विच कैन लीड टू डिहाइड्रेशन। और ये डिहाइड्रेशन इसको बोलते हैं दोस्तों, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक इनबैलेंस, और इलेक्ट्रोलाइटिक इनबैलेंस जिससे हो जाता है और डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। डायरिया में क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हो जाते हैं, तो ये डायरिया हो गई। डायरिया दो टाइप की होती है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट किसके कारण होती है? तो ये बैक्टीरियल टॉक्सिन्स के कारण, केमिकल पॉइजनिंग, ड्रग्स के कारण, एलर्जिक कंडीशंस के कारण ये एक्यूट हो सकती है। क्रोनिक किसके कारण हो सकते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी कारण बन सकता है इसका। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कंडीशन और कार्सिनोमा, इनमें ये क्रोनिक डायरिया हो सकती है। द एंटी डायरियल एजेंट में भी कैसे होनी चाहिए? एंटीबैक्टीरियल होनी चाहिए, एंटी स्पास्मोडिक एंड एंटी मोटिलिटी एजेंट होनी चाहिए, एब्जॉर्बेंट और प्रोटेक्टिव। दीज आर केमिकली इनर्ट पाउडर टेकन इंटरनली ड्यू टू देयर एब्जॉर्प्टिव एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रोटेक्टिव एक्शन। दे एब्जॉर्ब टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया एंड केमिकल एंड ऑल्सो प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन इंटेस्टाइन मुकोसा। ये क्या करते हैं दोस्तों, ये एजेंट जो होते हैं जब हम उनको लेते हैं तो ये जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के ऊपर प्रोटेक्टिव एक कोटिंग कर देते हैं, तो इस प्रकार ये मदद करते हैं। तो इसमें सबसे पहला कंपाउंड हमारा आता है बिस्मिथ, बिस्मिथ सबकार्बोनेट। तो इसमें पहला हमारा कंपाउंड है बिस्मिथ सबकार्बोनेट। इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला अगर देखेंगे तो BiO का होल ऑफ ट्वाइस CO3। मॉलिकुलर वेट होता है 518। प्रिपरेशन इसको कैसे बनाते हैं? तो Bi और HNO3 लेते हैं। नाइट्रिक एसिड, तो BiNO3 का होल ऑफ ट्वाइस और 2NO प्लस 4H2O। उसके बाद में BiNO3 का होल ऑफ ट्वाइस ये ले लेते हैं दोस्तों, तो वाटर निकलता है, तो क्या BiO का होल ऑफ ट्वाइस CO3 बनता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की क्या होती हैं? वाइट और येलो पाउडर होता है, कोई इसमें कलर नहीं होता है, या फिर येलो थोड़ा बहुत होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, कोई सुगंध नहीं होती, कोई टेस्ट नहीं होता। अफेक्टेड बाय लाइट बट स्टेबल इन एयर। लाइट से ये इफेक्ट हो जाता है लेकिन एयर में स्टेबल है। केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेंगे तो BiO का होल ऑफ ट्वाइस CO3 की रिएक्शन HCl से कराते हैं, तो BiCl3 और CO2 प्लस H2O हमको प्राप्त होता है। जब हम इसको हीट करते हैं तो Bi2O3 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, येलो बिस्मथ ऑक्साइड मिलता है हमको। यूजेस क्या हैं? तो ये यूज टॉपिकली एज अ प्रोटेक्टेंट इन लोशन। प्रोटेक्टेंट में ये सुरक्षादायक होता है। एंड ऑइंटमेंट यूज इंटरनली एज एस्पायरेंट, एस्ट्रिंजेंट एंड एड्सॉर्बेंट, वीक एंटी एसिड। दूसरा जो हमारा है इसका ही टॉपिक दूसरा है दोस्तों लाइट केओलिन। इसको चाइना के लिए भी बोलते हैं। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो Al2O3 2SiO2.2H2O। ये होता प्रिपरेशन कैसा है इसका? इट इज हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट फाउंड इन जॉर्जिया USA एंड इंग्लैंड में पाई जाती है। फार्मास्यूटिकली यूजफुल केओलिन इन प्योरीफाइड बाय ट्रीटमेंट विद HCl एसिड।
और H2SO4 देन वॉश्ड वेल विद वाटर। तो इसको ऐसे बनाते हैं दोस्तों, जो हमारे पास ये प्राप्त होते हैं हमको जॉर्जिया में, यूएसए में और इंग्लैंड में। तो जो हमको चाइना के लिए मिलते हैं उसको हम किससे ट्रीटमेंट कराते हैं, HCl से और H2SO4 से। तो उसको बाद में वॉश्ड कर लेते हैं और वाटर से, तो हमको मिल जाते हैं चाइना के लिए फिजिकल प्रॉपर्टी इनसोल्युबल इन वाटर एंड मिनरल एसिड। वाटर में इनसोल्युबल होती है और मिनरल एसिड में वाइट पाउडर होता है, टेस्टलेस होता है। यूजेस मेनली यूज्ड इन डायरिया, डायरिया में मेनली यूज होती है, कॉज्ड बाय एजेंट कैपेबल ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब्ड और फूड पॉइजनिंग। प्रोटेक्टिव एड्सॉर्बेंट डस्टिंग पाउडर के रूप में यूज होती है, फूड एक्टिव के रूप में, अल्सरेटिव कोलाइट्स के रूप में। तो ये दोस्तों हो गया हमारा कंप्लीट, जो कि प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट था ये हमारा। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद का हमारा रहेगा सेलिन कैथालेटिक्स, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।